वार्ड नंबर 3 बनागंग नहर वार्ड 3 का सभासद सोया कुंभकर्ण नगर पालिका के नाले पूरी तरह चौक सड़कों पर बहने लगा पानी, मोहल्ले वासियों का बना जी का जंजाल। उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर खालापार क्षेत्र के वार्ड नंबर 3 में कुछ देर की बारिश में ही बहने लगी गंगा। आपको बता दें कुछ देर की बारिश में नगर पालिका की पोल खोल कर रख दी। वहीं आपको बता दें कि 40 फीट रोड दाऊद तलक मदरसे के सामने वार्ड नंबर 3 में आपको गंगा बहती हुई दिख रही है। यह नज़ारा कुछ देर की बारिश से ही है, इससे लोगों के घरों में पानी भर गया है। लेकिन यहाँ के वार्ड सभासद गहरी कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। मोहल्ले वासियों ने आरोप लगाया है कि यहाँ के वार्ड सभासद वार्ड में ना तो सफाई करते हैं और ना ही यहाँ पर आकर कभी देखते हैं, जिसके कारण यहाँ के नालियाँ और नाले पूरी तरह से चौक हो गए हैं। सफाई न होने की वजह से लोगों के घरों के अंदर पानी भर गया है। अगर कभी ये नालों का कूड़ा निकाला जाता है तो उस कूड़े का कोई भी समाधान नहीं होता है, वह वापस कूड़ा नाले में बहकर आ जाता है। थोड़ी देर की बारिश में मोहल्ले की गलियों में गंगा बहने लगती है, जिसको देखते हुए मोहल्ले वासियों ने नाले की डोर बनवाने के लिए किस तरह से मेहनत की है आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि मोहल्ले वासियों ने एक किराए पर जेसीबी मशीन लेकर उस नाले की डोर को बनवाया, जिसके बाद मोहल्ले वासियों को नाले के पानी से छुटकारा मिला। और कुछ मोहल्ले के लोगों का आरोप है कि अपने फायदे के लिए कुछ मोहल्ले वासियों ने मिट्टी डलवा कर ऊँचा कर दिया है, जिसके कारण पीछे से आने वाला पानी आगे नहीं बढ़ पाता और लोगों के घरों में भर जाता है। बहुत तगड़ा काम करा तुमने। नहीं, काम तो बढ़िया करा, लेकिन इनके लिए गलत हो गया। वो इनके लिए गलत हो गया, ये मोदी सरकार की देन है। बड़ा बड़ा घरों में पानी भर रहा। जेबा बाहर को आओ जरा। Thank you.